कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, निकाला कैंडल मार्च। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिवपुरी इकाई पिछोर के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता आरजे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में नगर के महाविद्यालय से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाला। ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता दीपक पालवंशी ने बताया कि बंगाल गुंडों और बलात्कारियों का गढ़ बन गया है, वहां की ममता सरकार का इनको संरक्षण है। ममता बनर्जी जो खुद महिला है, वो ना संदेश खाली के समय में कार्रवाई कर पाई है और न ही महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। साथ ही ममता बनर्जी और सभी आरोपी बलात्कारियों के पुतला दहन के पश्चात विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर करीब 30 मिनट तक ममता सरकार का जमकर विरोध किया और डॉक्टर मौमिता देवनाथ को न्याय दिलाने के लिए ममता सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और कैंडल जलाकर डॉक्टर मौमिता देवनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें नगर मंत्री रूपेश पटेल, परिषद अध्यक्ष सोनिका तेकाम, प्रियंका बालरे, कामना राजपूत, सोनम लोधी, अंकित लोधी, शिवानी लोधी, अंशिका भगत, गिरबर कुशवाहा, श्याम सुंदर प्रजापति, अजय कुशवाहा, कंचन जाटव, हितेश पाल, हर्षित लोधी, अनुराग आचार्य, संजय बघेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट।